cry. No cheer, you die. एक इसके आगे के सिग्नेचर हेडलैम्प, दो वो और एक कितना प्यारा लग रहा है ना। ओ बॉय। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत इस खूबसूरत सी शाम के साथ, और सामने नज़ारा देख सकते हो आप। पहले नज़ारा दिखाता हूँ फिर बाइक दिखाता हूँ। देखो मतलब कितनी प्यारी लोकेशन है ना। और आज बहुत प्यारी सी बाइक खड़ी हो रही है, खड़े बहुत प्यारे से राइडर हमारे केमिस्ट राइडर, और आज ये बहुत देर से रगेड़ रहे हैं इस BMW को। कैसा लग रहा है इसे चला के? बैलेंस वो विली मशीन है ना, विली मशीन। ओके सो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ MT-15 2.0 वर्जन, जो नई आई है अभी, जिसमें USD शॉकर्स आ गए हैं, नए ग्राफिक्स आ गए हैं। तो एक बार इसका लुक दिखा देता हूँ आपको। इसमें जो चेंज आया वो आया USD, इसमें शॉकर्स आ गए जो काफ़ी स्मूथ साइड में है, और सिंगल चैनल ABS है बाइक। लुक बहुत ही प्यारा है, छोटी सी गाड़ी है बिल्कुल, आप देख सकते हो छोटी सी मशीन है ये, बड़ी प्यारी लगती है देखने में। एग्जॉस्ट स्टॉक ही है और गाड़ी अभी पूरी स्टॉक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। और एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ आपको, क्या प्यारा सा आता है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये आपका एवरेज स्पीड है, एवरेज कितना दे रही है, और ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ट्रिप वन, ट्रिप टू, नॉर्मल टाइमिंग। सो बहुत प्यारी मशीन है, मैं काफ़ी देर से राइड कर रहा हूँ उसे। विली मशीन है एक तरीके से, छोटे से सेगमेंट में। तो चलते हैं गाइस, करते हैं इस मशीन को स्टार्ट और करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। सो चलते हैं गाइस, तो करते हैं स्टार्ट पहले केमिस्ट राइडर की विली के साथ, और एक छोटी सी विली हमारी। मतलब इतनी स्मूथ है ना यार ये, इतनी स्मूथ बाइक है, और यामा की ब्रेकिंग से तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और आज गाइस शाम भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी हो रही है, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं गाइस और लेते हैं इस प्यारी सी मशीन का मज़ा, और देखते हैं अगर आगे हाईवे खाली मिलेगा तो इसका टॉप एंड भी निकालेंगे क्या जाता है, अभी देखते हैं। अभी हाईवे खाली मिल गया तो अभी टॉप एंड चेक कर हो जाएगा। गाइस देख रहे हो आप, इसका जो ये है ना डिस्टेंस है, इतना ज्यादा कम है ना, मतलब कॉन्फिडेंस तो अच्छा खासा आता है। फ्रंट इसका बिल्कुल हल्का है एकदम, जैसे Duke 390 का होता है। बहुत प्यारी मशीन है गाइस, मेरे को बहुत पसंद है। जो BS4 है ऑब्वियसली वो इससे थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, और मतलब भागने में भी इससे थोड़ी ज़्यादा है। और यार इसका सिटिंग पोजीशन ना इतना ज़्यादा मतलब अच्छा है ना। तो खेलते हैं इसे ढंग से एकदम, अभी नई है बिल्कुल, ये ज़्यादा चली भी नहीं, आई थिंक 900 समथिंग किलोमीटर ही अभी रन हुई है, ये फर्स्ट सर्विस भी नहीं होगा अभी इसके, सोचो। और साउंड तो यार स्टॉक भी मतलब ठीक है, सूदिंग सा साउंड है, ज़्यादा लाउड भी नहीं कह सकते आप। गाइस देखो मैं टॉप RPM पे हूँ, अभी मुझे वाइब्रेशन ज़्यादा फील ही नहीं हो रही है, बहुत ही नॉर्मल सी वाइब्रेशन। इतनी तो मेरी शिज़ू में 4000 पे आ जाती है यार, बताओ। भाई इसका फ्रंट ना ऐसे हवा में डोल रहा है हाई स्पीड पे यार, इतना हल्का फ्रंट है सोचो, मजा आ रहा है यार। वास्तव में इस मशीन को चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत प्यारी सी मतलब खिलौना टाइप है ना एकदम, मेरे लिए खिलौना ही है यार ये, सही बता रहा हूँ आपको। देखते हैं अगर आगे हाईवे खाली मिलता है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर की टॉप एंड चेक करेंगे। तो गाइस जरा यहाँ पे अगर खाली मिलता तो एक बार इसे लॉन्च करते हैं, देखते हैं कैसे लॉन्च होती है या नहीं, ट्राई करेंगे परफेक्ट लॉन्च देने का। सो करते हैं लॉन्च। ओह बॉय। क्या खतरनाक है यार,
ये लॉन्च नहीं हुआ, ये तो एक्सीडेंटल भी नहीं लगी यार। मतलब मेरे हाथ से क्लच ऐसे छूटा ना भाई, सीटों पाई खावा में पूरी आउट ऑफ कंट्रोल जाने ही वाली थी यार ये। गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे इस बाइक को राइड करने में यार। मतलब देखो अब मैं इसे ज़्यादा हार्ड पुश नहीं कर रहा हूँ और मैं इजी मतलब एकदम नॉर्मल वे में भी चला रहा हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम तो मुझे वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। देखो और एक बार इसका पंच देखते हैं, मतलब टॉर्क जो है इसका NM कैसा है वो। देखो अभी मैं 6th गियर पे हूँ और थोड़ी स्लो कर लेता हूँ, मैं 30 पे आ जाता हूँ। देखते हैं ये, हाँ 30 31, चलो अब देखते हैं ये टाइम कितना टाइम लेती है। लिया हल्का सा लैग लिया, ज़्यादा नहीं, बहुत बहुत ही माइनर सा, बट 30 से 40 पे आते ही बिल्कुल सही होगी। अब देखो देखो कैसे पंच आ रहा है, धीरे 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 पुश हो रही है और देखो 6000 और 7000 के बाद इसका VVA एक्टिवेट हो जाएगा, देखना। देखो धीरे धीरे पंच आ रहा है और VVA इसका 7500 के बाद एक्टिवेट हो जाता है, ये दिक्कत आ गया यहाँ पे VVA। गाइस अभी तक वाइब्रेशन फील नहीं हो रही, आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा रिफाइन कर दिया यामा ने, और यामा की ब्रेकिंग से मैं हमेशा से खुश रहा हूँ, हमेशा से। देखो अभी स्टॉपिंग पावर देख रहे हो, देखो पीछे से बाइक लिफ्ट हो रही है यार, क्या यार क्या हो गया, क्या मशीन है यार। गियर शिफ्टिंग भी गाइस बहुत स्मूथ है, मैं क्लच लेस शिफ्ट कर रहा हूँ फिर भी स्मूथ है, और क्लच के साथ तो खैर बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है, बहुत ज़्यादा। सो गाइज अभी यहाँ पे रोड खाली है तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक जितना जाती है। सो गाइज अब करते हैं इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर चैलेंज, अगर फिफ्थ के लिए रोड बची तो फिफ्थ भी करेंगे, तो ट्राई करेंगे इसे परफेक्ट लॉन्च देने की, और ज़रा ये कॉप्स वगैरह चले जाएँ, रोड खाली है अभी। तो गाइज स्टार्ट करते हैं और इस बार लॉन्च ढंग से करूँगा यार, करते हैं। सो गाइज इसका फर्स्ट सेकंड गियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखते हैं कितना जाती है। 46 on first, 67 on second, 91 on third, 107 on fourth, 5th में मैं इसे 124 तक ले गया था, लिमिटर नहीं आया था, बट यहाँ ट्राई करूँगा एक बार मैं, अगर मिलता है तो 5th गियर चैलेंज, क्योंकि 5th गियर वहाँ ट्राई नहीं हो पाया था। पे गाइस, सो 5th गियर में जाती है 128। सो फाइनली गाइस मैंने इनका 5th गियर भी टेस्ट कर लिया, और 6th गियर अभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज और कोई हाईवे नहीं है, और अपने को लेट भी हो रहा है घर जाने के लिए। तो करते हैं गाइस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड, आई होप आपको मज़ा आया होगा। एक बार और इस प्यारी सी बेबी का लुक दिखा देता हूँ, देखो एक इसके आगे के सिग्नेचर हेडलैम्प, दो वो और एक कितना प्यारा लग रहा है ना, और गोल्डन शोकर ब्लैक पे तो लगते ही अच्छे हैं यार, देख रहे हो कितनी प्यारी मतलब बनाई है हमारे, इसे रीबिल्ड करा है तो और ज़्यादा प्यारी होगी ये शोकर्स के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा। सो आई होप गाइस आपको मज़ा आ गया होगा आज के व्लॉग में, और कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, और मिलते हैं आपको ऐसी अगली धांसू सी वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ राइड सेफ।